नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं वन पीस नामक एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। एक अन्य फ्लैशबैक से पता चलता है कि लफी बार में था जब हिगुमा और उसका गिरोह अंततः अपना पे लेने की मांग करते हुए वापस लौटा। लफी ने गुस्से में हिगुमा का सामना किया, जिससे डाकू ने उसे दंडित करने के लिए उसे उठा लिया। हालांकि शैंक्स पहुंचे और हिगुमा से लफी को जाने देने के लिए कहा, लेकिन जब हिगुमा ने इनकार कर दिया तो शैंक्स ने मना कर दिया। चालक दल ने तुरंत हमला कर दिया, जिससे विवाद छिड़ गया। उन्होंने डाकुओं पर आसानी से काबू पा लिया, लेकिन हिगुमा ने अराजकता का फायदा उठाते हुए लफी को नाव पर लेकर भागने में सफलता हासिल की। समुद्र के बीच में एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और उसने हिगुमा को खाने से पहले नाव पर हमला कर दिया। लफी धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, लेकिन शैंक्स ठीक समय पर पहुंचे और उसे बाहर खींच लिया। फिर राक्षस ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन शैंक्स ने बिना किसी डर के उसे घूरते हुए उसे खो जाने के लिए कहा। यह काम कर गया और राक्षस के चले जाने के बाद लफी ने देखा कि शैंक्स ने एक हाथ खो दिया है, लेकिन शैंक्स ने कहा कि लफी की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। सर्कस में लफी एक कांच के टैंक के अंदर जागता है, जो धीरे धीरे समुद्री पानी से भर रहा है। दूसरे कमरे में कैबाजी ने अभी तक जोरो को अपने चाकुओं से नहीं मारा है, लेकिन एक चाकू से हमला ढीला हो गया। रस्सियों के ऊपर कैबाजी का ध्यान जोरो पर होने के कारण नामी पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता चुन लेती है और हमला कर देती है। काबाजी ने जोरो को रस्सी तोड़ने और काबाजी को बाहर गिराने की अनुमति दी। फिर दोनों अपने हथियार वापस ले लेते हैं और मंच पर लौटते हैं, जहां नामी लफी को मुक्त कर देता है। टैंक को तोड़ने के लिए उसने अपनी लाठी उस पर फेंकी। लफी अपने फेफड़ों से समुद्री जल को बाहर निकालते हुए नक्शा उगलता है और तब से वह दौड़ता है। सबसे पहले उसकी टोपी लेने के लिए बग्गी नक्शा ले सकता है। जोरो बग्गी पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि बग्गी बस विभाजित होती रहती है उसका शरीर। फिर बग्गी उसके पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और उन्हें बड़ी ताकत से तंबू के चारों ओर उड़ा देता है, जिससे तीनों पर कई वार हो जाते हैं। जोरो और नामी को हराने के बाद बग्गी ने लफी को जमीन पर गिरा दिया और स्ट्रॉ टोपी में छेद कर दिया। हालांकि लफी ने कुछ खाली संदूकें देखी और अपने दोस्तों को बताया कि उसके पास एक योजना है। तीनों ने मिलकर बुग्गी के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, ताकि वे संदूकों में उड़ जाएं, जिसे नामी बंद कर देता है और बुग्गी को खुद को फिर से इकट्ठा होने से रोकता है। अंततः बग्गी केवल उसके सिर, हाथ और पैरों तक सिमट कर रह जाता है और लफी ने बग्गी को बहुत जोर से मारने के लिए अपनी दोनों भुजाएं पीछे खींच ली, जिससे वह तंबू से बाहर उड़ गया और द्वीप से बाहर चला गया। फिर तीनों ने नक्शा पुनः प्राप्त कर लिया और सभी नागरिकों को मुक्त कर दिया। बाद में वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब स्थानीय लोग उन्हें अलविदा कहते हैं तो लफी को याद आता है आखिरी बार उसने शैंक्स को देखा था। शैंक्स के जाने से पहले लफी ने उससे कहा कि उसने अंततः स्वीकार कर लिया है कि वह समुद्री डाकू बनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी लेकिन एक दिन वह सर्वश्रेष्ठ होगा। शैंक्स ने लफी को अपनी पुआल टोपी दी और उससे कहा कि एक बार जब वह तीव्र हो जाए तो वह इसे वापस कर सकता है। बाद में जहाज पर नामी केबिन में छिपने से पहले लफी की टोपी ठीक करती है, जहां वह एक छोटा सा उपकरण निकालती है जिसका उपयोग वह एक रहस्यमय व्यक्ति को कॉल करने के लिए करती है और उन्हें बताती है कि उसे मिल गया है वो नक्शा। कुछ समय बाद लफी ने खुलासा किया कि उसने जहाज के लिए समुद्री डाकू का झंडा बनाया था, लेकिन नामी को इससे नफरत है। तभी जोरो केबिन से बाहर आता है और कहता है कि फ्लोरबोर्ड के नीचे छिपा हुआ कंपार्टमेंट, जिसे उसने शौचालय समझ लिया था, समुद्री जल में समा रहा है। नामी अपनी चीजों की जांच करने के लिए दौड़ती है और उसे पता चलता है कि उसका उपकरण अब टूट गया है। लफी ने फैसला किया कि उन्हें एक बेहतर जहाज मिलना चाहिए और नामी उसे इसके लिए निकटतम स्थान बताता है, वह गेको द्वीप समूह है। इस बीच गारप कोबी को फिर से खेलने के लिए अपने केबिन में आमंत्रित करता है। कोबी पहला गेम हार गया, जिसके कारण गारप ने कहा कि वह बहुत रक्षात्मक है और उसने कोबी को तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए टाइमर
लगाया, यह समझाते हुए कि समुद्री डाकू कैसे सोचते हैं। अचानक हेलमेट पो अंदर आता है और बताता है कि उन्हें गेको द्वीप समूह के पास लफी का झंडा मिला है, इसलिए गारप वहां जाने की योजना बनाता है। सर्कस में वापस बग्गी अपने शरीर को ठीक करने पर काम कर रहा है, तभी एक रहस्यमय मछली व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि अर्लोंग बग्गी को देखना चाहता है। जब बग्गी ने उस पर चाकू से हमला करके जवाब दिया तो वह व्यक्ति उससे बच गया और बग्गी को मुक्का मारकर गिरा दिया। बाद में बग्गी को अर्लोंग से मिलने के लिए लाया जाता है, जो श्रद्धांजलि की मांग करता है। कुछ भी नहीं होने पर बग्गी ने अर्लोंग को लफी और मानचित्र के बारे में बताया और उसे पकड़ने के लिए अपने कनेक्शन की पेशकश की, जिसे अर्लोंग ने स्वीकार कर लिया। जब तीनों गेको द्वीप पर पहुँचते हैं तो वे तुरंत शिपयार्ड में जाते हैं, जहाँ लफी को तुरंत एक विशाल जहाज से प्यार हो जाता है। अचानक यूसोप तीनों को इसके बारे में बताने के लिए उभरता है, जबकि फ्लैशबैक से पता चलता है कि चूंकि वह एक बच्चा था, यूसोप घंटी बजाता था और चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ता था कि समुद्री डाकू आ रहे हैं। गांव के लिए वर्षों पहले इससे दहशत फैल गई थी, लेकिन आखिरकार ग्रामीणों को एहसास हुआ कि उसने झूठ बोला है और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। यूसोप ने तीनों को बताया कि जहाज बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन पूरे शिपयार्ड का स्वामित्व उसके एक दोस्त के पास है, इसलिए वह उन्हें उससे मिलने के लिए ले जाता है। जल्द ही समूह एक विशाल हवेली में पहुंचता है, जहां नौकर शाम और बुची उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं। हालांकि मालिक काया अपने बटलर क्लाहाडोर के साथ आती है और अपने दोस्त यूसोप को देखकर खुश होती है, इसलिए वह सभी को रात के खाने के लिए रुकने और अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित करती है। जबकि तीनों रात्रि भोज के लिए नई पोशाकें आजमाते हैं, लफी नामी से वादा करता है कि वह उसे मना लेगा। काया उन्हें एक जहाज देने के लिए जोरो टिप्पणी करता है कि क्लाडोर परिचित दिखता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। इस बीच यूसोप काया के कमरे में जाता है और उसे जन्मदिन का उपहार देता है, एक चट्टान जिसका वह दावा करता है कि वह एक मोती है। वह अपने कारनामों की एक और कहानी भी साझा करता है, जो सभी झूठ हैं, लेकिन काया उनसे प्यार करती है। बाद में क्लाहाडोर काया के लिए चाय लेकर आता है, जो उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से वह उसे पिलाता है और वह उसका कार्यवाहक बन गया है। इसके बाद क्लाडोर रसोई में कर्मचारियों की जांच करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें काया के सूप में जहर डालना याद है। जब रात के खाने का समय होता है तो समूह में पारिवारिक वकील मैरी भी शामिल हो जाती हैं। अपने स्वास्थ्य के कारण काया को अपने सूप के अलावा कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है। इससे पहले कि वह इसका स्वाद चख सके, लफी एक हार्दिक भाषण देने के लिए मेज पर कूदती है और मांगती है। जहाज जब काया जवाब देने की कोशिश करती है तो वह जोर जोर से खांसने लगती है, जिससे क्लाडोर को सभी को लात मारने की कोशिश करनी पड़ती है। बाहर हालांकि काया उसे रोकती है और सभी को रात रुकने के लिए आमंत्रित करती है। बाद में वाइन सेलर में मैरी ने क्लाडोर पर काया के शिपयार्ड पर नियंत्रण लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इससे पहले कि वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता, क्लाहाडोर इससे इनकार करता, मैरी को पीछे से आश्चर्यचकित करता और ब्लेड वाले दस्ताने से उस पर वार करता। गलियारों में लफी नाश्ते की तलाश में है और जोरों से टकराता है, जो पेय चाहता है। वे रसोई में जाते हैं और यूसोप को ढूंढते हैं, जो उन्हें काया के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताता है। और तथ्य यह है कि उसका पिता एक समुद्री डाकू है, जो बचपन में ही चला गया था। फिर यूसोप जोरों को पेय खोजने के लिए वाइन सेलर में ले जाता है, जबकि लफी सब कुछ खाने के लिए वहीं रुक जाता है। सूप इस बीच नामी कीमती सामान चुराने जा रही है, तभी उसे अचानक एक शोर सुनाई देता है। वह अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से काया के कमरे में प्रवेश कर जाती है। काया बता सकती है कि नामी क्या कर रही है, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह उसे बातचीत के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करती है। लड़कियों के बीच संबंध खत्म हो जाते हैं और काया नामी को वह चीजें रखने देती है जो उसने चुराई थी, लेकिन बाहर जाते समय नामी उन्हें वापस रख देती है। वाइन सेलर में जोरो और यूसोप को मैरी का शव मिलता है। क्लाहाडोर शाम और बुची के साथ आता है और अपने पंजे दिखाता है, जिससे जोरो को अंततः एहसास होता है कि क्लाडोर वांछित समुद्री डाकू कुरो है। दोनों आदमी तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुरो बहुत तेज है और जोरो को व्यस्त रखता है कि शाम उसे पीछे से गिरा सकता है, जबकि भयभीत यूसोप खिड़की से भाग जाता है। शाम और बुची मीरा जोरो को फेंक देते हैं।
और सबूत मिटाने के लिए उसकी तलवारें एक कुएं में डाल दीं। वे उसोप के पीछे नहीं जाते क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यह सच साबित हुआ क्योंकि उसोप ने गांव में घंटी बजाई लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। तब यह पता चला कि उसोप ने अपने विश्वास के कारण यह दिनचर्या करना शुरू कर दिया था। पिता अपनी बीमार माँ के लिए लौट रहे होंगे जिन्होंने मरने से पहले अपने बेटे के व्यवहार की सराहना की थी। अब उसोप निराशा में डूब जाता है और अचानक कोबी उसे मिल जाता है जो कहता है कि वह विश्वास करता है। उसे हवेली में नामी लफी को बेहोश पाती है और उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन उसी समय अपराधी अंदर आ जाते हैं इसलिए वह अलमारी में छिप जाती है। तीनों ने लफी को भी ढूंढ लिया और शिपयार्ड हासिल करने के लिए काया को मारने की अपनी योजना पर चर्चा की जिसे नामी ने सुन लिया। कुरो पर समुद्री डाकू होने का आरोप लगाने के लिए अचानक उसोप कोबी और हेलमेपो के साथ आता है। कोबी बिना सबूत के कुरो को गिरफ्तार नहीं कर सकता इसलिए कुरो उन्हें छोड़ने के लिए लफी को सौंप देता है। नामी इस मौके का उपयोग अलमारी से बाहर आने और भागने से पहले शाम को बाहर निकालने के लिए करता है। कुछ सेकंड बाद कुरो और बुची को रसोई में शाम मिलती है जो उन्हें नामी के बारे में बताता है। अचानक आधी रात आ जाती है और चूंकि काया अब बड़ी हो गई है इसलिए कुरो ने घोषणा की कि आखिरकार उसे मारने का समय आ गया है। इस बीच उसोप काया को कुरो के बारे में चेतावनी देने के लिए उसके शयन कक्ष में घुस जाता है लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है। तब नामी उसोप की कहानी को साबित करने के लिए आता है और समझाता है कि काया बीमार नहीं है और यह कुरो की चाय थी जिसके कारण यह हुआ। उस समय तीनों काया का शिकार करने के लिए बाहर निकलने से पहले कुरो ने घर में सुरक्षा तालाबंदी कर दी। इससे अंततः उसे कहानी पर विश्वास हो गया। उसोप नामी और काया हॉलवे में छिपी सुरंगों के माध्यम से भाग जाते हैं जिसे कुरो ने सुन लिया है। वह उन्हें दीवारों में छुरा घोंपने की कोशिश करता है लेकिन वे हमलों से बच जाते हैं और एक पुराने परित्यक्त कमरे में छिपने के लिए भाग जाते हैं। यहाँ एक और स्विच है जिसे वे लॉकडाउन को पूर्ववत करने के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है रोशनी टिमटिमाती है और कुरो उनके स्थान का अनुमान लगाता है। वापस कुएं में जोरो जाग जाता है और अपने बचपन को याद करने लगता है। शिमोत्सुकी गांव में एक प्रशिक्षु के रूप में वह गुरु की बेटी कुइना को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को हराने में सक्षम था। निराश जोरो ने कुइना को असली ब्लेडों से द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी लेकिन बहुत भयंकर युद्ध के बाद लड़ाई में वह फिर हार गया। भले ही उसने दो तलवारों का इस्तेमाल किया हो फिर उसने उससे और अधिक प्रशिक्षण लेने का वादा किया ताकि अंततः उनमें से एक बन सके। दुनिया का सबसे महान तलवारबाज। दुर्भाग्य से कुरीना की दुखद मृत्यु हो गई और उसके पिता ने जोरो को उसका ब्लेड दे दिया जो उनका तीसरा बन गया। उस दिन जोरो अपनी स्मृति का सम्मान करने के लिए दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। फ्लैशबैक से प्रेरित होकर जोरो कुएं पर चढ़ना शुरू कर देता है। पास में नौसैनिक लफी को ले जा रहे हैं और हेलमेपो कोबी को बताता है कि गारप ही है। लफी से उसके संबंध के कारण उसका उपयोग किया जा रहा है। अचानक लफी जाग जाता है और कोबी को कुरो के बारे में बताने से पहले हेलमेपो पर जहर उगल देता है। केवल जोरो द्वारा बाधित किया गया जो कोबी को छोड़कर सभी अधिकारियों को तुरंत बाहर कर देता है। फिर जोरो और लफी कोबी के कमजोर प्रयास को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर वापस चले जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हवेली में कुरो परित्यक्त कमरे में पहुंचता है और तीनों को छिपना पड़ता है। जबकि कुरो फर्नीचर को नष्ट कर देता है जोरो और लफी आते हैं और जोरो की बदौलत अंदर घुस जाते हैं। ताकत वे अलग हो जाते हैं और जोरो का सामना शाम और बुच्ची से होता है जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि शाम और बुची कुशल हैं, जोरो अभी भी बहुत बेहतर है और जल्दी से उन्हें हरा देता है। दोनों पुराने कमरे में काया और नामी एक साथ कुरो पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाने के लिए उसोप ने अपने गुलेल से गोली मारकर उन्हें गिरा दिया लेकिन कुरो ने प्रक्षेप्य को चकमा दे दिया और उसोप पर वापस हमला करने की कोशिश की। लफी ने उसे ठीक समय पर रोक दिया जो कुरो से लड़ना शुरू कर देता है और एक भी वार करने में विफल रहता है क्योंकि कुरो बहुत तेज है। कुरो द्वारा लफी की छाती पर चोट के निशान डालने के बाद लफी को एक विचार आता है और वह अपने कदमों की आवाज पर
ध्यान केंद्रित करके कुरो के स्थान का पता लगाने के लिए कमरे के बीच में रुक जाता है, जिससे उसे अनुमति मिलती है। अंततः उसे मुक्का मारो। कुछ और प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद लफी ने कुरो की कलाइयों को पकड़ लिया और उस पर सिर से वार किया। वह खिड़की से उड़ रहा है। बाद में काया ने समूह को वह जहाज उपहार में देकर धन्यवाद दिया जो लफी चाहता था और उसने उसका नाम रखा। मृत वकील को सम्मानित करने के लिए गोइंग मैरी। लफी भी उसोप को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह झिझकता है क्योंकि वह लेना चाहता है काया की देखभाल। हालांकि काया उससे कहती है कि अब अपना ख्याल रखने का समय आ गया है और वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रही है। उसके चूमने के बाद उसोप लफी के दल में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। कोबी और हेलमेप को अपनी विफलता की रिपोर्ट करने के लिए गारप के पास लौटते हैं। हालांकि गारप इससे खुश हैं। वह गोइंग मैरी को द्वीप छोड़ते हुए देखता है। वह तुरंत गोली चलाता है और जब लफी दुश्मन पर जांच करने के लिए एक स्पाई ग्लास का उपयोग करता है तो वह गारप को दादाजी कहकर सभी को चौंका दिया। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।